दोस्तों ये देखिए, ये रहे एलविस भाई, जा रहे हैं सामने से। भाई धीरज, आई एम सो सॉरी ब्रो, भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? हम बोलेंगे। दोस्तों ये देखो, मैं देख रहा हूँ Amazon MX Player पे प्लेग्राउंड सीजन 4 आ गया है, अभी से लाइव स्ट्रीम हो गया है। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था, आपको भी और हमें भी। आपको ये जानना है कि सरप्राइज क्या है और मुझे ये बताना है कि सरप्राइज क्या है। और ये देखो, हम लोग कपड़े वपड़े पहन कर एकदम टिप टॉप रेडी हो चुके हैं, बस एक दो मिनट का इंतजार और फिर आपको पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और दोस्तों बाहर का मौसम देख के मेरे तो होश उड़ गए भाई, क्योंकि यहाँ पे हो रही बहुत जोर से बारिश। अब बारिश में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सामने हमारी कैब आ चुकी है जो अभी अभी हमने बुक की थी, ये रही सामने। अब जल्दी से इस पर बैठते हैं और पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और इसी बीच में आपको दिखाऊंगा मुंबई के थोड़ी बहुत नजारे जो अभी तक हमने भी नहीं देखे। जिसन मुंडे या ना तोड़ दे या दिल। अब थोड़ी राहत आ रही है क्योंकि बंद कार में बैठना मेरे लिए ऐसा है, सांस दबने लगती भाई मेरी, तो थोड़ा बहुत ज्यादा था, क्या बोलते उसे, सफोकेशन टाइप का बहुत ज्यादा। इसलिए मैं साला ट्रैवल नहीं करता। अगर ये चीज़ नहीं होती ना मेरे साथ तो मैं इतना दबा के ट्रैवल करता, आपको ट्रैवल ब्लॉग इतने अच्छे अच्छे मिलते, क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी मंजिल और हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों को बताने का टाइम आ गया है कि हम यहाँ पे क्यों आए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आया हूँ यहाँ पे प्लेग्राउंड 4 के सेट पे प्लेग्राउंड 4 के मेंटर्स और कंटेस्टेंट से मिलने, और जो मेरी फेवरेट टीम है उसको सपोर्ट करने। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन है वो मेंटर्स और कौन है कंटेस्टेंट, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने, क्योंकि भाई कैब में बहुत बुरा हाल हो गया था, मन अच्छा हो सके। अच्छा तीखा दे दीजिए आप। तो अब जल्दी से गोलगप्पे खाते हैं, और जो हमें यहाँ पे रिसीव करने आई हैं वो आ चुकी हैं, वो वेट कर रही है हमारा। तो दोस्तों पानी पूरी खा ली है, अब बस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। चलो भाई पहुँचने वाले हैं अपन बस अंदर, फिर आपको दीदार कराते हैं बहुत स्पेशल लोगों का। सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, यहीं पे हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है। बाइक तो बिल्कुल अलग आ रही है यहाँ की, ऐसा लग रहा है किसी ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं कभी पहुंच नहीं सकता था। तो दोस्तों इनसे मिलिए, ये है मिस तन्वी जी जो हमें रिसीव करने आई थी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे हमारा होने वाला है ग्रैंड मीटअप, उन लोगों से मिलने वाला हूँ जस्ट मैं अभी। कौन? मुना और फारूक की, एलविस भाई, मिस पैट, मोटल, प्लीरा। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ कि भाई उनसे बात करूँगा क्या, और ये प्लेग्राउंड 4 के कंटेस्टेंट हैं उनसे भी मिलूँगा, लेकिन उनसे बोलूँगा कुछ रहूँगा। बस इसी वजह से मैं ना बहुत लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। दिया, दिया, हेलो ब्रो, हेलो, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कौन किसकी टीम से है? चलो तो मैं गैस करता हूँ, किसकी टीम से हो आप? अपने अपने मेंटर्स की नकल करके दिखाओ मुझे, ठीक है? पहले आपसे मुझे नहीं पता कुछ भी। उनको तो मैं भी देखा था, आप नकल करके नकल क्या, अलग अलग लड़कों से बात करूंगा बस मैं। फारूकी साहब, मनावर फारूकी की टीम से। और भैया आप? मैं बस भाई जय श्री राम। जय श्री राम। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और पंकज भाई आप? मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपके अंदर इतना गर्व्स, इतनी कॉन्फिडेंस आता कहाँ गया? आप इतनी सारी पब्लिक के सामने ऐसा डांस कर लेते हो? बस यार पब्लिक का प्यार और जब मेन बात तो मेन बात सीक्रेट रिवील। और मैम आप क्या बोले, क्या बोला? एलएसडी मॉडल मॉडल मैं तो सबको पहचानता हूँ लगता है। अब रह गए खाली आप। मैं एक गाना गाना चाहूंगी तेरे शहर में। तो आप मुनावर भाई की टीम से हैं, तो वैसे मैं भी मुनावर भाई की टीम को सपोर्ट करने ही आया हूँ।
स्पेशली उन्हीं के लिए आया हूँ। अच्छा। क्योंकि मोनाल भाई की जर्नी मैंने देखी है, बहुत इंस्पायरिंग है। कहाँ से कहाँ तक स्टैंड अप कॉमेडियन से अब कितने बड़े सेलिब्रिटी बन गए। और उनकी जो बात करने का लहजा है ना वो खासकर जो साइडी बीच बीच में मारते हैं वो वाले। आपने कैसे सुनी मोनाल भाई की टीम? मैंने एक पॉइंट कहा था कि लाइक उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाई डू यू वांट टू बी ऑन द शो, व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस। मैंने कहा मेरे को कुछ करके अपनी मम्मी को रिटायर करना है। सो उन्होंने बोला लेट्स कम टू माय टीम, लेट्स रिटायर मॉम। तो मेरे को बात अच्छा लगा लाइक वो भी अपनी मम्मी से कुछ ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फीलिंग से कोई कनेक्ट करता है ना, दैट यू लाइक। और आपने क्यों चुनी? मैंने भाई इसलिए चुनी, एक तो मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा? हाँ, रोहतक से हूँ मैं, तो भाई थोड़ा वाइब मैच होता है। राम राम भाइयों, राम भाइयों वो वाला। तो फिर मेरे को थोड़ा मेरे लिए मजर तो चारों दबे थे, बट मेरा अपना पर्सनल एक पॉइंट था कि मेरे को एलिस भाई की टीम में। तो आप दोनों एक दूसरे के कट्टर वाले विरोधी हो गए। देख लो, एक तो दिखते से हैं ऊपर से अलग अलग टीम में। तो एक काम करते हैं, आज देख लिया जाए कि दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा ताकत है। पंजे लड़ा के हो जाए, हो जाए, हो जाए। क्या कहते हो जाए? हो जाए, जीतने वाला मेरे से करेगा। चलो चलो देखते हैं। तो फिर दोनों में से कौन जीतता है? एलएल भाई की टीम, मोनाल भाई की टीम। दोस्तों 1 2 एंड स्टार्ट। अरे भाई ये चला, जीतने वाले हैं। अरे इन्होंने लॉक लगा रखा है, कांट टेक हिम डाउन। हाउ? कहां लॉक है ब्रो? अरे लाइक इसको बोलते हैं लॉक, लॉक लॉक एज इन। तो यहां पर मैं क्या समझूं, कौन जीता? मैंने जीता भाई, ड्रॉ है, ड्रॉ। दोनों भाई ने ड्रॉ कर दिया। अब जीतने वाला मेरे से करेगा। कौन आ रहा है? आपसे मैं लड़ाना चाहूंगा। मोहित, मोहित। तो दोस्तों पंकु भाई के साथ में पंजे भाई, मेरे को आता नहीं पंजे लेकिन मैं तो बोलता हूं मुझे नहीं आता। पंकु जीत गया। बैठ के बस धीरज भाई ना पत कटा ना। तो उत्तराखंड बसेस उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं है। ऐसा मत करो यार, मारेंगे। तो दोस्तों मैं पहले भी हार चुका हूँ। नहीं नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं आता उतना। पहले मैं मतलब नहीं है भाई, स्कूल में करा था, अब कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके, क्या करना पड़ता है? मतलब खींच बस। 1 2 अपनी साइड में खींच ली। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरा हाथ थोड़ा ऐसा है, पतला है भाई से, थोड़ा। क्या बोलना चाहोगे सर? खुशी हो रही है मुझे तो। नहीं भाई, मजा आया भाई, भाई का हाथ बहुत तेज, बहुत अच्छा लगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो दिया जी, मैं आपसे ये पूछना था, आप प्लेग्राउंड में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, जैसे सब लोग फील कर रहे हैं वैसे मैं भी फील कर रही हूँ। आपने सोचा था यहाँ तक आई है? मुझे तो दर्द हो रहा है। ऑनेस्टली मुझे लग रहा थी लाइक कॉन्फिडेंस तो था खुद पे, बट लाइक मेरे को लग रहा था इनिशियली जब मैं लाइक एक्सप्लोर कर रही थी, तो आई डिडंट थिंक आई वाज रियलिटी शो मटेरियल, बट जैसे जीडी गया, पीआई गया, आई वाज लाइक ओह दिस गर्ल हैज एन अनहर्ड, तो आई वाज लाइक ठीक है आई विल गो, आई विल डू इट, आई विल शो एवरीवन। तो वाज लाइक दैट। वो तो बोला बोल दिया मैंने ऐसे ही। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ विंटर जी के पास। तो विंटर जी मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, आपकी खूबसूरती का राज ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। हम क्यों नहीं है नेचुरल ऐसे? मिथपेट भाई की टीम से हैं। आपने उनको क्यों चुना? मैंने उनको क्यों चुना? उन्होंने मुझे चुना एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने चुना? मतलब वो भी खूबसूरती के दीवाने हो गए? तो आपने मिथपेट भाई की टीम को क्यों चुना? चलो बढ़िया, दुबई से हबीबी। तो आपको क्या लगता है, आप जीतोगी इतने होनहार कंटेस्टेंट के बीच में? टैलेंट से भरी हुई हूँ मैं, दीवा कहते हैं, मुमताज वगैरह की, यू नो, चार ₹10 कट ओवर एक्टिंग के वजह से। समझ रहे हो भरन भाई, आप तो हमारे हीरो। अरे मैं तो आपको ही सपोर्ट करने आ रहा हूं। कॉट मी लैकिंग। हां थैंक्स सर, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। तो आप चल रहा था यार यहां पर भरन भाई, गेम तो आप जीतोगे ना, विशेष आपके साथ है। थैंक यू भाई। पंकु भाई यस ब्रो, अच्छा लगा मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं इस दिन उत्तराखंड आते हैं, अब ट्रॉफी लेके पानी के। तो दोस्तों मैं प्लेग्राउंड 4 के कंटेस्टेंट से मिल लिया हूँ, और आप भी देखिए प्लेग्राउंड सीजन 4 जो कि रिलीज हो रहा है Amazon MX प्लेयर पे 29 सितंबर से, वो भी बिल्कुल फ्री हर रोज, तो जाकर जरूर देखिए। बाय। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे मिक्पेट भाई है, मोटर भाई है, मुनावर पार्टी है, उनसे मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों देखिए वो रहे मुनावर भाई, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे,
और वहीं पे मेरे पेट भाई हैं, मोटल भाई हैं, और मैं अभी बस जाने ही वाला हूँ उनके पास। मुझे ही देख रहे हैं वो मेरे भाई। मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा भाई ने कहा भाई रिकॉर्ड कर रहा है, कैसा लगा उसका भाई? मैं कुछ नहीं लगा, मैंने कहा देखो जरा यहाँ पर भी क्रिकेटर बैठे हैं। मैं तो भाई डर गया था सबसे, लेकिन कोई नहीं अभी जाने वाले हैं। ही डोंट नो हु आर यू। मैं कौन हूँ? मैं तो ही बोला था क्रिकेटर भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जा रहे हैं और क्रिकेटर से मिल रहे हैं। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, देखिए ये रहे मुनावर भाई। भाई धीरज, आई एम सो सॉरी ब्रो, ये रिकॉर्ड कर रहा था और ये लाइट कैसे मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, तो मैंने बोला ये कहा क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। और ये मॉडल भाई कैसे हो? और ये रहे मित्र भाई। भाई कुछ भाई दिमाग में क्या आया था जब इन्होंने बोला था? मैं बहुत डर गया था भाई। भाई सॉरी यार, मैं आई एम रियली सॉरी ब्रो। भाई देख इक्वल ना, हमारे इक्वल आने भी झुकना पड़ता है भाई। सही में शैतान है भाई तू। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बट रिसेंटली मितपैट को अपने स्त्री 2 में देखा। हाँ सरकटा सरकटा। हाँ मैं था। बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग बनाता है क्या? इसलिए आपने मुझे वो किया है मुनावर भाई। मैं आपका बहुत बड़ा जबरा वाला फैन हूँ और खासकर आपकी शायरी का। क्या पीछे पीछे मारते ना, मैं आपकी शायरी याद करके आया था लेकिन आपसे ही मिलना चाहता था क्योंकि आपका जो प्ले वो ना पबजी बैटल खेलते थे आप, बहुत तगड़ा खेलते हैं। थैंक यू। आपको उनके साथ दिखा था कैलिमिनाटी भाई के साथ, वन वन वाला बहुत तगड़ा खेला था आपने कसम से। आपको पहली बार देखा था? हाँ पहली बार देखा था, फर्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गाइस जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी से। तो दोस्तों ये देखिए ये रहे एलविस भाई जा रहे हैं सामने से, चलो चलते हैं अंदर, बहुत दिनों का इंतजार था। ये दोस्तों ये मनीष भाई हैं जीजी कम्युनिकेशन के, एलविस भाई उधर रहे, शूट चल रहा है एलविस भाई का। गाइज ये सारी चीजें तो हो गई और अब आप देखो प्लेग्राउंड सीजन 4 ओनली ऑन Amazon MX Player सामने है। तो दोस्तों ये रहे एलविस भाई और चलते इनसे मिल ले, साना पूरा हो रहा है भाई, अभी मेकअप चल रहा है एलविस भाई का। सब देख लिया मैंने। क्या देख लिया भाई? हेलो जी, हेलो, क्या हाल है एलविस भाई? क्या हाल है? बढ़िया। एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्रिएटर है आपसे मिलने आए धीरज के ब्लॉग। तो नीरज एलिस भाई से मिला। एलिस भाई से मिल गया मैं। कैसा लगा? मत पूछो भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों जब मैं एंटर हुआ मितपैट मोर्टल एंड मुनावर भाई और एलिस भाई के सामने पहुंचा, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा ये बोलूँगा वो बोलूँगा ये करूँगा वो करूँगा, सबका सब धरा रह गया भाई। नर्वसनेस में मेरी कमर तोड़ कर रखी थी, मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ उधर जाके। अरे खराब हो गई भाई, मैं तो शूट कर रहा था, शूट में हाथ कप रहे थे मेरे, ऐसे ऐसे हो रहे थे। तुम सोच रहे हो तुमने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया? मैं एक नॉर्मल सा बंदा भाई, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं महीने के 25,000 रुपये भी कमा पाऊँगा यूट्यूब से। पहले ना पहले उसके उनके बाउंसर ने हमें रोका, फिर हमने जब बताया कि हम क्रिएटर हैं और फिर हमारे मैनेजर आए उधर, और मुझे बिलीव है एक दिन आप लोग मुझे इनके ऊपर या इनके बराबर तक जरूर पहुंचाओगे। ऊपर चलेंगे ऊपर। और हम वैसे हम लोग यहाँ पर आए क्यों थे वो तो आपको पता चल ही गया होगा, हम लोग यहाँ पर आए थे प्लेग्राउंड सीजन 4 के लिए। हमें कंटेस्टेंट से मिल लिया, मेंटर्स से मिल लिया, वो तो आपने देखा हम कैसे मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्लेग्राउंड सीजन 4 है Amazon MX Player पर आ रहा है आज से ही, तो जल्दी जाओ और देखो, वो भी बिल्कुल फ्री 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 फ्री।